नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सेशन को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम ने युवा वैज्ञानिकों को देश के विकास, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक को विकसित करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने बीएसएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद अमित शाह आदर्श विद्या मंदिर गए। यहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की और लोगों को जागरूक किया। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी जारी है। बच्चों की मौत का आंकड़ा 104 तक पहुँच गया है। साल के पहले दिन ही 3 बच्चों ने दम तोड़ा। कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी आज कोटा शहर पहुँचे। नागरिकता कानून पर घमासान। मंडी हाउस में एक बार फिर से सीएए के विरोध में उतरे लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल थे। दूसरी तरफ सरकार लोगों के बीच जाकर सीएए पर फैले भ्रम को खत्म करने का प्रयास कर रही है। जामिया इस्लामिया में पुलिसिया कार्यवाही की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कभी भी निंदा नहीं की है। आयोग ने बयान जारी करके कहा, कुछ लोगों ने दावा किया कि जामिया इस्लामिया में पुलिस कार्यवाही की मानवाधिकार आयोग ने निंदा की है। यह बयान गलत है और मामले की जांच जारी है। आज सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही गूगल ने उनका डूडल भी बनाया। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो किया, उसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने और समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया। वह एक दलित परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन तब भी उनका लक्ष्य यही रहता था कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर किसी को पढ़ने का अवसर मिले। पेंटागन ने स्ट्राइक की पुष्टि की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर इस हवाई हमले को अंजाम दिया गया। पेंटागन ने बयान में कहा, राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने कासिम सुलेमानी को मारकर विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक कार्यवाही की है। इस हमले से अमेरिका व ईरान में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपनी एयरलाइंस से पाकिस्तान का एयर स्पेस न इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। घने कोहरे और तेज रफ्तार के चलते जयपुर दिल्ली हाईवे पर सुबह एक के बाद एक 30 वाहन आपस में टकरा गए। यह हादसा राजस्थान के अलवर जिले के पास हुआ। सूचना के बाद मौके पर बहरोड, नीमराणा और शहजानपुर थाना पुलिस के साथ साथ एनएचएआई की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बहरोड के अस्पताल में भर्ती कराया है। नागरिकता संशोधन एक्ट और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन देश भर में लगातार जारी है। इस कड़ी में जमात ए इस्लामी हिंद मुंबई में सीएए और एनआरसी के खिलाफ शनिवार को एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत भी शामिल होंगे। जमात ए इस्लामी हिंद मुंबई, मराठी पत्रकार संघ और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यह कार्यक्रम कर रहे हैं। अक्षय कुमार 2019 में एक से बढ़कर एक फिल्में देने के बाद 2020 के लिए तैयार हैं। अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में ट्रांसजेंडर भूत के करेक्टर में होंगे। मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है। इसमें अक्षय साड़ी पहने और काजल बिंदी लगाए नजर आएंगे। अक्षय ने फिल्म में साड़ी पहनने के एक्सपीरियंस के बारे में कहा कि मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल किरदारों में से एक है। मुझे किरदार के अंदर घुसना था और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।